एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। करी जावेद अख्तर, पहले किराते कुरान और फिर किराते चेहरे मुस्तफ़ा का शरफ हासिल कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन आप बहुत खूबसूरत सुन रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। ये कोई ऐसी कमी नहीं है जो दूर ना की जा सके, दूर की जा सकती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो दोहरा अजर है। सुभान अल्लाह, एक तो अच्छा सुनने का, अच्छा बोलने का, और फिर पढ़ने वाले को भी यकीन आता है कि मैं महफिल में पढ़ रहा हूँ, कहीं टेलीविजन पर नहीं पढ़ रहा। तो हम दोनों माहौल के आदि हैं, टेलीविजन के भी आदि हैं कि वहाँ तो सिर्फ कैमरामैन होते हैं और यहाँ तो जहाँ, लेकिन जी चाहता है कि जब वो शाख सामने बैठे हों तो फिर दिल चाहता है कि बोले भी और सुने भी। समझे आप क्या कि सुभान अल्लाह कहें बुलंद आवाज से, ताकि अल्लाह ना करे किसी का बच्चा गूंगा हो, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर हो और वो किसी डॉक्टर के पास ले जाए कि जी मेरा बेटा बोलता नहीं है, तो डॉक्टर कहेंगे कि ये बोलता इसलिए नहीं है कि इसको सुनाई नहीं देता। डॉक्टर साहब इलाज क्या है? कि ये सुनने लगेगा तो बोलने लगेगा। नहीं समझे? समझे? समझ गए ना? तो आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे तो हम बोलेंगे। इसलिए ये सुनने और बोलने का ताल्लुक बड़ा गहरा है। सुनेंगे तो बोलेंगे, और हम जिस हस्ती के उर्स में है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपनी विलायत का मनसब अता किया। ये मामूली मनसब नहीं है, नसीब वालों को मिलता है। नसीब वालों को, जिनका हिस्सा होता है उन्हें मिलता है, और सिर्फ उसी को नहीं मिलता। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी से मोहब्बत करता है, किसी को अपनी विलायत का मनसब अदा कर देता है, तो फिर जिब्रील अमीन को बुलाता है कि आओ और तमाम अर्श पर, आसमानों पर मुनादी कर दो कि रब इस बंदे से प्यार करता है। सिर्फ रब नहीं करता, अब वो ये चाहता है कि सारे फरिश्ते भी उससे प्यार करें। फिर ऐलान होता है कि जाओ अब जमीन पर ऐलान कर दो कि रब इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। इब्राहिम खुशतर ने कहां जन्म लिया, कहां पैदा हुए, कहां परवरिश पाई, कहां तालीम हासिल की, क्या शख्सियत थी कि मॉरिशस में चले जाओ तो वहां पर भी उनके चाहने वाले हैं, हॉलैंड में आ जाओ वहां भी चाहने वाले हैं, सूरीनाम चले जाओ वहां भी चाहने वाले हैं। ये उस ऐलान का मजहर है जो रब तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए कराया, और पूरी दुनिया में हर खित्ते पर जो जानता है वो भी प्यार करता है, जो नहीं जानता वो भी प्यार करता। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? ये विलायत वहां से अता होती है, और लोगों के दिलों में ये बच्चे, मुझे यकीन है कि इन्होंने देखा भी नहीं होगा, हजरत को देखा भी नहीं होगा। 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मुझे कहने दीजिए कि जिसको मेरे हुजूर ने देखा बना दिया, जिसको मेरे हुजूर ने देखा बना दिया, जो बेजुबान था उसे गोया बना दिया, और जिसको भी छू लिया वो बना रश के कीमिया। जिसको शेर समझ आए वो तो सुभान अल्लाह कहेगा, बाकी से कोई गिला ही नहीं है।
जिसको भी छू लिया वो बना रश के कीमिया, रखा कदम तो अर्श मुअल्ला बना दिया, और जिस जा हुआ मुकीम कभी आमिना का चांद, जिस जा हुआ मुकीम कभी आमिना का चांद, उस सरजमी को काबे का काबा बना दिया, जिस जा हुआ मुकीम कभी आमिना का चांद, उस सरजमी को काबे का काबा बना दिया। और ये शेर बस इस हाजरी का इख्तिताम, आखिरी दुआ भी है, इल्तिजा भी है, मेरे साथ कर लीजिएगा कि बेकल को अपने दर पर बुलाकर यही कहें, हम सबको अपने दर पर बुलाकर यही कहें, जो तो चाहे वो हाथों को बुलंद करेगा और इतनी बुलंद सुभान अल्लाह कहेगा कि ये हॉल गूंज जाए, कि हम सबको अपने दर पर बुलाकर यही कहें कि जा तुझको मैंने अपना दीवाना बना दिया, जा तुझको मैंने अपना दीवाना बना दिया, जिसको भी छू लिया वो बना रश के कीमिया, रखा कदम तो अर्शे मुअल्ला बना दिया, और जिस जा हुआ मुकीम कभी आमिना का चांद, उस सरजमी को काबे का काबा बना दिया, उस सरजमी को काबे का काबा। अब आपकी आवाज आई है ना तो मुझे पता चले आप महफिल में, वरना कुछ देर ऐसे लग रहा था कि जैसे रिकॉर्डिंग में है, है ना। और एक जमाने में आता था कलम बंद, अब आता है फिल्म बंद। कलम बंद होता था, कोई चीज देखी तो लिख लेते थे, अब बर्दाश्त नहीं होता, जो देखते हैं उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे फिल्म बंद कहते हैं। एक कलम बंद था, एक मोबाइल बंद भी होता है। मोबाइल भी दो तरह की होती है, एक आपके हाथ में है और जो दूसरी सायरन के साथ चलती है, अल्लाह ताला उसमें तो किसी को बंद होने से बचाए, लेकिन मोबाइल्स पर जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उनकी मोहब्बत है करें। एक दो तीन चार कैमराज लगे हुए हैं, आपको ये सीडी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश ये है और मशवरा भी यही है कि आप मोहब्बत से महफिल को सुने, हाजिरी के साथ और हुजूरी के साथ। हाजिरी और हुजूरी में फर्क समझते हैं। हाजिर ये है कि इस महफिल में हाजिर है, जिस्म भी रूह भी यही है, कान भी यही है, दिल भी यही है, जिस्म भी यही है, रूह भी यही है, और हुजूरी की कैफियत इससे बढ़कर है। हाजिरी तो ये है कि जिस्म भी यहां रहे, रूह भी यहां रहे, हुजूरी ये है कि जिस्म यहां रह जाए, रूह मदीने में पहुंच जाए। बस इस कैफियत के साथ इस महफिल को सुनिए। मेरा मशवरा यही है अपने दोस्तों को, भाइयों को, नौजवानों को, कि मोबाइल पर आप जब वीडियो बनाएंगे तो तवज्जो बढ़ जाएगी, तो तवज्जो ना बढ़ने दें, मोबाइल को जेब में रखें, मेरे पास भी है, मैंने भी रखा हुआ है, मोबाइल को पास रखें, सुने मोहब्बत से, और जब आपको सीरी चाहिए होगी तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। साहिवाल से, पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए एक बहुत जिंदगी से पढ़ने वाला, बहुत मोहब्बत से पढ़ने वाला, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला सनाफा, मुल्तमिस हो मोहब्बतों से समाप्त कीजिए, आलमी शोहरत याफ्ता कारी शाहिद महमूद से मुल्तमिस हो तशरीफ लाए और नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें।